if you look at a map of India, you will find that the southern part of India and the western part of India doing reasonably well. They are growing rapidly. But the eastern part of India, particularly states like Bihar, UP, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, these are states which are keeping India backward, especially on social indicators. We've remained very backward on the Human Development Index. We are still 131 out of 188 countries in the Human Development Index. HDI, that is Human Development Index, एक ऐसा इंडेक्स है जो किसी भी स्टेट या कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम को रिप्रेजेंट करता है। ग्लोबल डेटा लैब के अनुसार इंडिया में यूपी और बिहार ऐसे दो स्टेट्स हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग में इंडिया में सबसे नीचे है। आपने शुरुआत के क्लिप में जिन्हें देखा वो मिस्टर अमिताभ कांत है जो कि नीति आयोग के सीईओ है, और नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग बिहार में 51.91% तो यूपी में 37.79% लोग गरीब है। साथ ही अगर आप गूगल पे सिंपल सर्च करते कि वो कौन से स्टेट से जहां से सबसे ज्यादा लोग माइग्रेट करते हैं तो उसमें भी यूपी और बिहार का ही नाम सामने आता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि यूपी और बिहार इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में इतने पीछे रह गए, जिसके लिए हमें वहां के कई सारे फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के प्रायोजक है जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद यूपी और बिहार इन दोनों स्टेट्स में जो लोग रूल कर रहे थे वो उस टाइम अपर कास्ट के लोग थे। वो ऐसा टाइम था जब लोगों के दो कैटेगरीज बन गई थी, एक थी अपर कास्ट कैटेगरी और दूसरी थी लोअर कास्ट कैटेगरी, और उन्होंने लोअर कास्ट की जो नीड्स थी उस पर सही से ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए 1970 के करीब कई सारे लोअर कास्ट के लोग सोशल लीडर्स के अंडर ऑर्गेनाइज होने लगे, और इसी का रिजल्ट ये हुआ कि कास्ट के बेसिस पर पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और जनता दल उनमें से कुछ नाम है, और इन कई सारे अलग अलग पार्टीज ने पर्टिकुलर कास्ट पर फोकस किया, और यही रीजन था कि यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स में वोटिंग अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर नहीं सिर्फ कास्ट को देखकर की जाने लगी, और इसी के चलते वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी तेजी से बढ़ने लगी, और इसका एक एग्जांपल आपको इस चीज से पता चलेगा। साल 1991 से 2002 तक यूपी में 8 गवर्नमेंट्स आई और उसी बीच 3 बार प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया। बिहार में 1961 से 1990 तक 20 गवर्नमेंट्स आई जिसमें से एक भी गवर्नमेंट अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाई, जिसके चलते वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस कम होता चला गया, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं रहा और स्टेट के डेवलपमेंट के लिए भी कुछ खास नहीं किया गया। अब इन चीजों की वजह से वहां पर ना तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाई ना ही स्किल डेवलपमेंट, और इसी वजह से वहां के ज्यादातर लोगों के पास एक ही ऑप्शन था और वो था माइग्रेशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से यूपी और बिहार के लगभग 50% पॉपुलेशन या तो सीजनल या फिर लगातार माइग्रेट करती रहती है, और क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाई इसलिए ज्यादातर लोग आज यहाँ पर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। यूपी में 47% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है तो बिहार में 80%। एक एस्टिमेट के हिसाब से उत्तर प्रदेश की 2021 की पॉपुलेशन 23.6 करोड़ थी और बिहार की 12.7 करोड़, और यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो यूपी में 828 तो बिहार में 1102 है, जो कि इंडिया के एवरेज स्टेट पॉपुलेशन डेंसिटी जो कि 423 है उससे काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अच्छे से अवेलेबल है, लेकिन इस चीज का कोई भी बेनिफिट यूपी और बिहार नहीं उठा पाए, और उसके पीछे का एक मेन रीजन है स्किल डेवलपमेंट, और स्किल्स के डेवलप ना होने की वजह से और पुअर एजुकेशन साथ ही अब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से लोग एग्रीकल्चर पर शिफ्ट होना शुरू हो गया। लेकिन एक शॉकिंग रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि बिहार के 1/3 पॉपुलेशन के पास उनकी खुद की लैंड ही नहीं है, और यूपी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन के अकॉर्डिंग यूपी में जितने भी लैंड होल्डर्स हैं उनमें से 78% ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है। तो यहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन या तो दूसरों के खेत में काम करती है या फिर दूसरों का खेत कुछ 1-2 साल के लिए ले लेती है और उसके लिए कुछ पेमेंट करते हैं, और ये चीज ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर काफी ज्यादा है। बिहार जहाँ के 80% पॉपुलेशन इस सेक्टर पर डिपेंड करती है, वहाँ बिहार गवर्नमेंट ने 2021 से 2023 में सिर्फ अपना 3.5% बजट एग्रीकल्चर के लिए अलोकेट किया है, और यूपी में जहाँ 47% पॉपुलेशन इस सेक्टर पर डिपेंड है वहाँ पर गवर्नमेंट ने सिर्फ 2.7% अपने बजट का अलोकेशन किया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूपी और बिहार की इकोनॉमी के पीछे रहने के कई सारे रीजंस हैं, बट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंट्रीब्यूशंस भी किए गए जिनसे इन इकोनॉमीज को फायदा मिला है, जैसे कि द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिससे ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गई और मेट्रोपॉलिटन सिटीज से कनेक्टिविटी भी बेहतर हो गई, और इस नेटवर्क का उन स्टेट्स को कुछ हद तक फायदा भी मिला।
ऐसे कई सारी चीजों के बारे में आप पता कर सकते हो कुकू FM के जरिए, जहां पर आप भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इन हिंदी ये ऑडियो बुक सुन सकते हैं। द गोल्डन क्वाड्रिलेटर के डिटेल्स के बारे में मुझे भी वहीं से पता चला। कुकू FM इंडिया का लीडिंग नॉन फिक्शन ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनलिमिटेड नॉलेज रिलेटेड टॉपिक्स को सुन सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस, मोटिवेशन, बायोग्राफी, साइंस, बॉलीवुड, हिस्ट्री एटसेट्रा। और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड नॉलेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, और इसलिए यहाँ पर एक स्पेशल ऑफर आपके लिए है। कुकू FM के अनलिमिटेड कंटेंट को, जहाँ पर 4000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज हैं, उस पर आपको मिलेगा 50% का मैसिव डिस्काउंट, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है सुनो50, जिसके चलते 399 रुपीज का एनुअल पैक आपको मिलेगा 199 रुपीज में, और ये ऑफर से 31 मई तक वैलिड है। तो इंतजार किस चीज का, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके कुकू FM ऐप जरूर चेकआउट करें और अपनी नॉलेज जर्नी शुरू करें। अब वहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि वो क्यों पीछे रह गए। अब इसके लिए भी हमें थोड़ा हिस्ट्री जाना होगा और थोड़ा इंडिपेंडेंस से पहले जाना होगा। तो 19th सेंचुरी में बिहार काफी फेमस था टेक्सटाइल हैंडलूम और स्पिनिंग के लिए, लेकिन बाद में अंग्रेज चाहते थे कि वहां पे टेक्सटाइल का नहीं बल्कि नील का काम हो और नील का प्रोडक्शन, और इसलिए उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वहां पर डिस्करेज करना शुरू किया और लोगों को फोर्स किया कि वो नील प्रोडक्शन पर काम करे, जिसके चलते टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो वहां पर 20% लोगों को रोजगार दे रही थी, वो फिगर अगले कुछ सालों में 8.5% पर आ गई। यूपी और बिहार दोनों भी इस प्रॉब्लम से लड़ी रहे थे, तो 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रेट इक्वलाइजेशन की पॉलिसी लाई, जिसका मतलब है कि आप चाहे बिहार से कोई चीज दिल्ली लेके जाए या फिर बिहार से उसे आप कश्मीर लेके जाए, आपको सेम ही चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ऊपर के जो भी चार्जेस होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पे करेगी, जिसके चलते जहां पर मिनरल रिसोर्सेस है वहीं पर फैक्ट्री खड़ी करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि आपको उतने ही पैसों में वो सामान कहीं और भी ट्रांसपोर्ट करके मिल रहा है। यूपी और बिहार के पास नेचुरल रिसोर्सेस काफी अच्छे थे, चीप लेबर भी अवेलेबल था, लेकिन इस पॉलिसी की वजह से कई सारी कंपनीज ने दूसरे स्टेट में अपनी फैक्ट्रीज खड़ी करने शुरू की, जहां पर मार्केट अच्छा था, ट्रेडिंग के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज थे, और इसलिए टाटा और अन्य कई सारी कंपनीज जो बिहार में अपनी फैक्ट्रीज डालना चाहते थे क्योंकि वहां पर मिनरल रिसोर्सेज के नजदीक रहेंगे, उन्होंने बाद में अपने प्लान्स में कुछ चेंजेस लाए। और जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि इन दोनों स्टेट्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बीच में काफी ज्यादा थी, इसलिए इंडस्ट्रीज जाने से थोड़ा कतरा रही थी, फैक्ट्रीज भी वहां से थोड़ी दूर रह रही थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर भी काफी बड़े सवाल खड़े होने लगे थे। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड पिछले कुछ सालों की बात करें तो रिसेंटली यूपी का काफी सारा रेवेन्यू सर्विस सेक्टर से आने लगा है, उनका 42% GSDP सर्विस सेक्टर से ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सर्विस सेक्टर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि IT एंटरप्राइजेस यूपी के कुछ ही लिमिटेड एरियाज में है, जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद, और फॉर्चुनेटली उनके लिए ये चीज बहुत काम में आई, ये तीनों भी सिटीज नेशनल कैपिटल रीजन में आती है। और इस फैक्ट से आपको ये क्लियरली पता चलेगा कि ये सारी सिटीज वेस्टर्न यूपी में आती है, और यहाँ पर जो पर कैपिटल इनकम है वो लगभग 15,870 है, वहीं ईस्टर्न यूपी में जहाँ पर IT कंपनीज वगैरह नहीं है, वहां पर जो पर कैपिटल इनकम है वो 10,000 से भी कम है। अब मेक इन इंडिया कैंपेन में कई सारी बाहर की कंपनीज को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए बुलाया जा रहा है, और उसमें यूपी और तमिलनाडु ऐसे दो स्टेट्स हैं जहां पर डिमांड काफी ज्यादा आ रही है। तो ये कैसे वर्कआउट करता है ये आने वाले कुछ साल ही बता पाएंगे। वही अगर हम बिहार की बात करें तो वहां पर आज भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत पीछे है, फूड इंडस्ट्री वहां पर फिलहाल एक प्राइमरी सेक्टर है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूपी और बिहार को एक बहुत बड़ा सफर तय करना अभी बाकी है। और यहाँ के कई सारे प्रॉब्लम्स के पीछे एक और रीजन भी है, वो है एजुकेशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के एक सर्वे के अकॉर्डिंग यूपी में 73% और बिहार में 70.9% लोग लिटरेट है। 36 स्टेट्स और यूटी की रैंकिंग में यूपी 31st नंबर पर रैंक करती है, तो बिहार 33rd नंबर पर। एडसिल SSA के एक डेटा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूपी में 16,06,000 से 13,000 साल के बीच के ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी स्कूल में एनरोल नहीं है, और बिहार में यह नंबर 11,00,000 बच्चों का है। इतना ही नहीं, यहाँ पर टीचर्स की भी काफी ज्यादा कमी है। हालांकि यूपी और बिहार दोनों भी गवर्नमेंट अपना 10% से ज्यादा बजट एजुकेशन पर स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस सेक्टर में उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन में यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, चीप लेबर भी है, बस कमी है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की और स्किल्ड लेबर की। जहां तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है तो लॉ एंड ऑर्डर पर यहाँ पर काम करने की जरूरत है, और ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव देकर कंपनीज को यहाँ पर बुलाने की जरूरत है। और जहां तक स्किल्स की बात है तो यहाँ पर लिटरेसी रेट बढ़ा के काफी सारे इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों ऐसे स्टेट्स है जहां पर हम बार बार सुनते आते हैं क्योंकि ये पेपर लीक हो गया, ये एग्जाम लीक हो गई, तो इसको रोकने की जरूरत है और क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करने की जरूरत है। अगर हमसे कोई पॉइंट मिस हो गया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी वेल रिसर्च वीडियो को मिस ना करने के लिए जरूर हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें।